आप लोगों को इस वीडियो में अगस्त में जो पेपर हुआ है उसका पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। ये पेपर्स अलग अलग स्टेट से अलग अलग बच्चों ने सेंड किए हैं, तो मैं एक एक करके सारा बता रहा हूँ। आप लोगों का इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसके बाद सेकेंड पार्ट आज देख रहे हैं। इसको प्रॉपरली आप लोग समझ लीजिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और अपकमिंग नेक्स्ट मंथ सितंबर के बाद फिर से आप लोगों को जब एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस फिर से रिपीट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है अ बार कोड रीडर इज अ, जो बार कोड रीडर होता है वो क्या है। आप लोगों का इसमें पहला ऑप्शन है POP, PPS, स्कैनर और प्रिंटर। अब पहले तो आप इनके मतलब समझ लीजिए, ये चारों हैं क्या क्या, तो आपको आसानी हो जाएगी। POP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिससे आप अपनी ईमेल आईडीज जो मेल्स आती हैं उनको आप लोग पढ़ते हैं। PPS ये एक प्रकार का पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, तो जो पावर पॉइंट पे फाइल आप लोग सेव करते हैं वो PPT फाइल होती है, लेकिन अगर आप लोग पावर पॉइंट पे PPS में भी फाइल सेव कर सकते हैं जो एक प्रकार की प्रेजेंटेशन ही है। नेक्स्ट स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होते हैं। अब यहाँ पर बारकोड स्कैनर भी यूज़ किया जाता है। अब आप लोगों में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि स्कैनर और बारकोड स्कैनर क्या है, तो आपको बता दें एक नॉर्मल स्कैनर जो है वो फोटो स्कैन करने का काम करता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये है आपके सामने एक नॉर्मल स्कैनर की फ़ोटोज़, जिनको हम लोग डेस्कटॉप स्कैनर कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसमें बारकोड स्कैनर लगा दें तो बारकोड स्कैनर का बेसिकली काम होता है आपके बारकोड को रीड करना, और आपके स्क्रीन पर ये है बारकोड स्कैनर्स। ये बारकोड स्कैनर्स इस तरह के बारकोड्स, ये जो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं QR कोड्स, ये सभी कुछ रीड कर सकता है और बेसिकली इसका काम यही होता है। आप लोगों ने देखा होगा शॉपिंग मॉल वगैरह में ये बहुत लगा रहता है। प्लस इसका मेन मोटिव ये होता है कि काम फास्ट हो जाता है। अब हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमने उस पर बारकोड लगा दिया। अब बारकोड लगाने से फ़ायदा ये रहेगा कि उस प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस, उसमें क्या डिस्काउंट है, सब कुछ उसमें बारकोड में लिखा हुआ है। वो ऑटोमेटिकली स्कैन किया उसने और आपके स्क्रीन पर तुरंत बिलिंग के लिए बनकर आ गया। 10 आइटम है, 100 आइटम को स्कैन कर लिया, पूरा बिल तैयार हो गया, ना ही कभी रेट का कोई ध्यान रखना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है और आपका सही जवाब होगा कि बारकोड जो है वो एक प्रकार का स्कैनर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ DMSP, इसके बारे में समझ लीजिए। तो अगर आप लोग बात करें DMSP, तो एक प्रकार का ये प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी मॉडल सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल। तो ये वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मान लीजिए इस कोर्स को या इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये हमारे कोई नेटवर्किंग या उससे बड़ा हुआ कोई CCC में नहीं होता ज़्यादा, लेकिन दे दिया गया है थोड़ा सा सिलेबस को टफ करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है हमारे पास जिसमें दिया गया है मैक्सिमम साइज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा साइज कितना हो सकता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल है अगर, तो जूम है तो जूम कर तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी फाइल की बात की जाए कि अगर पावर पॉइंट में हम कितने फाइल तक की साइज बना सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। देखिए इसमें इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए, पावर पॉइंट 2007 एंड अप टू PPTX फॉर्मेट, जो नया PPTX फॉर्मेट है, योर PC इज द लिमिट। आपके PC में जितनी स्पेस है वो सारी की सारी पावर पॉइंट फाइल बनाने के लिए यूज़ की जा सकती है। तो वैसे ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसने पूरा नहीं नोट किया है। नॉर्मली क्वेश्चंस जो आता है वो ये आता है कि पावर पॉइंट में कितना मैक्सिमम जूम होता है, तो अगर हम उसके ऊपर भी बात कर लें तो वो क्वेश्चन का पावर पॉइंट का, अगर आप लोग गए यहाँ पर, ये रहा पावर पॉइंट हमारे सामने और हमने यहाँ पर एक स्लाइड बना ली। अब अगर आप लोग जूम पे जाएं, तो जूम पे जाके व्यू पे चेक करिए, ये रहा जूम, और अगर मैंने यहाँ पे जूम पे 400% तो दिखा ही रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया 500%। जैसे ही मैं 500% लिखकर एंटर कर रहा हूँ, देखिए वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो ऑटोमेटिकली 400 कर देता है, और अगर मैं 33 से नीचे कर देता हूँ, मान लीजिए 5%, तो भी वो 10% कर देता है। इसका मतलब है पावर पॉइंट का जो जूम लेवल है वो 10% से लेकर 400% तक के बीच में वैरी करता है। इतना आप लोग जूम सेट कर सकते हैं स्लाइड्स का।
स्टूडेंट ट्रिपल सी के सभी वीडियोस को प्रॉपरली देखने के लिए और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पाने के लिए आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी चाहिए। आप लोग मेरे चैनल पे आइए, मिनेश सचान के नाम से ढूंढ लीजिए, चाहे तो आप लोग निलेट ट्रिपल सी या कुछ इस तरह के भी अगर टैग डालेंगे तो भी मिलेगा। और जब आप चैनल पे आएंगे, चैनल के आने के बाद आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट में आप लोगों को चैनल की सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। आपको बता दें इसमें ओ लेवल की सारी प्लेलिस्ट शुरू हो गई है, जैसे इस समय ICT फोर्थ पेपर जो है इस पर काम चल रहा है। साथ ही साथ अगर आपको निलेट ओ लेवल से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब इसमें मिलेंगी। M1 पेपर भी सब कुछ इसी में देखिएगा। सेकेंड प्लेलिस्ट है ट्रिपल सी प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, आप चैनल्स के सारे वीडियोस देख पाएंगे। और ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं ये सिस्टमैटिकली इसमें लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें ये प्लेलिस्ट पे जो हम लोग वीडियोस देखते हैं वो पूरे के पूरे फुल वर्जन में नहीं है। प्लेलिस्ट मेरी एक डेमो वर्जन है जो कि हम लोगों ने कुछ वीडियोस अपलोड करते रहते हैं बीच बीच के। अगर आपको पूरे वीडियोस और प्रॉपर चाहिए तो आपको इसका ट्रिपल सी का एक किट परचेज करना होगा, जो कि 100 रुपीज़ कॉस्ट करता है अगर आपको इंग्लिश में चाहिए और 200 रुपीज़ कॉस्ट करता है अगर आपको हिंदी में चाहिए। किट की सारी जानकारी आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें कि आप WhatsApp के थ्रू अपना ये किट मंगा सकते हैं और ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे पेटीएम और नेट बैंकिंग या फिर भीम ऐप कुछ भी। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पूरे वीडियोस लेने के बाद इसे सिस्टमैटिक देखना होगा। मैं WhatsApp पे सारे वीडियो सेंड कर दूंगा, साथ ही साथ उसमें वीडियोस के साथ क्वेश्चन बैंक्स भी होंगे, PDF में बुक्स भी होंगी हिंदी इंग्लिश में, और उसके बाद आप लोग उसे प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप सभी का CCC क्वालिफाई हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ साथ हम लोग ये चीज़ और देख लें कि अगर हम लोग पावर पॉइंट की जगह वर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कितना मैक्सिमम जूम लेवल होता है, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन बहुत सिंपल सा है। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लीजिए, ये रहा हमारा विन वर्ड, और विन वर्ड में हम लोग भी जूम लेवल सेट कर लें। बहुत सिंपल है, व्यू में जाइए और जूम पे जाइए। यहाँ जूम 200% लिखा है, मैंने यहाँ कर दिया 400%। आप देखेंगे पीछे बड़े आराम से हो गया 400%। मैंने यहाँ जाके सेट किया 500%। अब अगर मैं 550 लिख देता हूँ तो देखिए स्क्रीन पर मैसेज आ गया कि आप 10 से 500 के परसेंट के बीच में ही जूम लेवल सेट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जूम लेवल है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। सेम चलिए इसी साथ साथ एक्सेल का भी जूम लेवल देख लेते हैं कि मैक्सिमम जूम लेवल कितना होता है। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करा लिया, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हमारे पास व्यू के अंदर जूम ऑप्शन दिया रहता है, और मैंने यहाँ जाके सेट कर दिया मान लीजिए 500। एंटर किया तो देखिए इसमें भी दिखा रहा है 10 to 400, यानी कि पावर पॉइंट और एक्सेल का जूम लेवल एक जैसा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 500% तक चला जाता है, जूम 5 गुना बड़ा हो जाता है। तो ये सभी के जूम लेवल्स हैं जिसकी रेंजेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला है HTML का फुल फॉर्म बताइए, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और लगभग सभी बच्चों को पता रहता है HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट है DVD की स्टोरेज क्षमता CD से ज़्यादा होती है, ट्रू या फॉल्स। सिंपल है, ट्रू है, बिकॉज आपको सबको पता है CD की कैपेसिटी होती है 700 MB और DVD की होती है 4.7 GB। तो GB बड़ा है तो आपकी CD से कई गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट है किलोहर्ट्ज़ में कितने हर्ट्स होते हैं, तो जब किलो की बात आ गई तो 1000 हो गया, 1000 हर्ट्स होते हैं। और हर्ट्स एक क्वेश्चन और आता है कि CPU की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, तो वो भी हर्ट्स होती है। तो हम लोग जो अब आजकल प्रोसेसर्स जो देखते हैं उसमें लिखा रहता है 2.5 GHz, तो ये उसकी एक तरह से कह सकते हैं क्षमता है या स्पेसिफिक उसकी स्पीड है कि इतनी स्पीड से वो काम करता है। अगला क्वेश्चन है फोल्डर नेम में मैक्सिमम करेक्टर्स कितने लिखे जा सकते हैं। ओके, तो आपका कोई भी फोल्डर का जो नाम आप देते हैं उस फोल्डर के नाम का मैक्सिमम करेक्टर 260 करेक्टर्स होते हैं। किसी भी फोल्डर में आप इतना दे सकते हैं, और उसमें आप लोग अंडरस्कोर और इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फोल्डर्स में आप लोगों को कॉमा डॉट्स
ये सब चीज़ें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल करेक्टर्स यूज़ नहीं करते, जैसे कि आप हैश यूज़ करना चाहें, ऐट द रेट यूज़ करना चाहें, तो वो नहीं ले सकता। वैसे इतने बड़े लेंथ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। तो एक फोल्डर का जो नाम है उसका मैक्सिमम लेंथ 260 करेक्टर्स है। तो यही है इसका सही जवाब। आगे वाले क्वेश्चन पर गौर करें। तो नेक्स्ट है स्लाइड व्यू के लिए शॉर्टकट की बताइए। तो आप लोग स्लाइड शो चलाना चाहते हैं तो स्लाइड शो देखने के लिए F5 यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर आप स्लाइड्स चलाना चाहते हैं फुल स्क्रीन पर तो F5 की मदद से हम लोग फुल स्क्रीन पर स्लाइड्स चला सकते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया, MS Word का जूम जो है मिनिमम जूम 10%, तो ये गलत है। मिनिमम जूम आपको पता है 10% होता है, 50% नहीं होता। तो आपको ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे कि हम लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को, कि बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि जो चीज़ हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं वो नहीं होती। कारण ये है क्योंकि CCC में इन लोगों ने ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो आम आदमी छोड़ देता। आप खुद ही सोचिए, जूम हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, कभी फाइल का साइज़ कम ज़्यादा, लेकिन कभी गौर ही नहीं किया कि सबसे ज़्यादा कितना है या सबसे ज़्यादा छोटा कितना है। ऐसे ही आप एक क्वेश्चंस में मैंने और देखा था, जैसे हम वर्ड पे टाइप करते हैं और वर्ड में टाइप करते समय हम लोग जो करेक्टर लिखते हैं इसका फॉन्ट साइज़ कितना होता है डिफ़ॉल्ट। तो देखिए यहाँ 8 से लेके 72 तक डिफ़ॉल्ट दिया रहता है। तो ये भी सवाल आया था एक बार, 8 से 72 तक। लेकिन आप चाहें तो 72 के ऊपर अगर आपको करना है तो आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिए, यहाँ क्लिक करिए और आपने कर दिया यहाँ 72 के ऊपर 120। तो देखिए 120 साइज़ का भी हो गया। और ये भी कितना किया जा सकता है इसका भी हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे हमने कर दिया 250, एंटर किया, देखिए 250 भी हो गया। और अगर हमने लिख दिया 900 तो स्क्रीन पर अगर गौर करें तो ये 900 फॉन्ट साइज़ भी हो गया। तो इसका मैक्सिमम साइज़ अगर देखा जाए 1700 अब दे दिया उसने कि मैक्सिमम करेक्टर साइज़ 1 से लेके 1638 है। तो 1638 है किसी भी फॉन्ट को लिखने का मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज़। तो इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कभी कभार नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते, इसीलिए हमें लगता है कि सिलेबस आउट ऑफ कोर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है द डैश प्रोटोकॉल हैज़ फीचर दैट अलाउ अपलोडिंग ऑफ मेल मैसेजेस। अब ये क्वेश्चन अभी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, नहीं तो ये हर बार आता है। ये प्रोटोकॉल का क्वेश्चन 2-3 तो होते ही होते हैं, और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरनेट नेटवर्किंग और इन्हीं प्रोटोकॉल से ही आते हैं। तो आपके पास प्रोटोकॉल्स वो रूल्स हैं जो कंप्यूटर यूज़ करता है नेटवर्किंग या इंटरनेट यूज़ कराने के लिए। तो ये SMTP और POP सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स में से एक है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल सेंडिंग इज SMTP। अगर आपको ईमेल सेंड करनी है तो SMTP का इस्तेमाल करिए। और साथ ही साथ नीचे भी दिया गया है द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज बाई PC फॉर रिसीविंग मेल इज POP। अगर आपके पास कोई मेल आ रही है इंटरनेट से तो उसको रिसीव करने के लिए POP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। नया प्रोटोकॉल जो एक और है जिससे कि हम लोग इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं IMAP, और इसमें भी हम लोग मेल रिसीव और कर सकते हैं। ये बिजनेस एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा होता है क्योंकि IMAP की खासियत ये होती है कि आप लोग कई सारे डिवाइसेस से इसे ऑपरेट कर सकते हैं, फ़ोन पे भी एक साथ देख सकते हैं और साथ ही साथ अपने डेस्कटॉप लैपटॉप या फिर दूसरी जगह से भी एक ही साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये आप लोगों का पूछा गया था कि कौन सा है जो अपलोड करता है। अपलोड का मतलब सेंड करता है, तो सेंड करने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया SMTP यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रूट डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल रूट्स इनटू एन डैश नेटवर्क। ओके, पहले तो रूट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। रूट डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन यू टेक अ रूट फ्रॉम वन रूटिंग प्रोटोकॉल एंड इंजेक्ट इट और डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू द अदर प्रोटोकॉल। भाई होता क्या है, हमारे पास इंटरनेट में हमारा भेजा गया डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स में टूटता है, और वो TCP/IP के थ्रू अलग अलग प्रोटोकॉल से होकर यहाँ पहुँचता है, कुछ इस तरीके से, कहीं कोई और तरीके से। तो ये रूट जो है हमारा प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि कौन से वाले मेथड से फॉलो करना है।
लेकिन कभी कभार होता है रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा एक रूट, मैं मान लीजिए ट्रैफिक है, तो हमें रूट्स को चेंज करना पड़ेगा और वही प्रोटोकॉल दूसरा रूट जो हमारा एक्सेस कर रहा है उसके थ्रू से डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन से ये रहता है कि पैकेट्स जो हैं वो हमारे रुकते नहीं हैं, हमारा प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। और इन सब के लिए बनाया गया है OSPF। तो हमारे पास इसका सही जवाब जो आप देखेंगे तो वो यही होगा, OSPF। तो रूट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल रूट्स इनटू एन OSPF नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर योर ईमेल PGP अलाउ यू टू, आपकी ईमेल में PGP क्या करता है, तो इसको पहले एक्सप्लेन कर दें। बाय द वे इसमें थोड़ा करेक्शन भी है, बिकॉज ये PGP नहीं है, ये POP है। तो आपके पास कभी कोई मेल आती है तो POP रिसीव करता है उस मेल को और आपके स्क्रीन पर दिखाता है। आपको बता दें इंटरनेट पे जो मेल भेजी जाती है तो वो नॉर्मल मेल फॉर्मेट में नहीं होती, यहाँ तक कि आपके जो मैसेजेस भी हैं सेंडर भेज रहा है रिसीवर के पास आ रहे हैं, तो पहले से यहाँ पे जो आपने मेल कंपोज किए उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि उसको एक सांकेतिक भाषा में बदल दिया जाता है। जब यहाँ पर आती है तो वो एनक्रिप्ट मेल डिक्रिप्ट होती है और डिक्रिप्ट होने के बाद फिर नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर वो आपको पढ़ दी जाती है। तो अगर POP आप लोगों का मेल रिसीव करने का काम करता है तो सीधा सा मतलब है कि वो हमारी मेल को डिक्रिप्ट करता है। तो इसका सही जवाब होगा डिक्रिप्ट करने वाला, प्रोसेस करता है POP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज नॉट एन इंटरप्रिटेटर, इनमें से कौन सा इंटरप्रिटेटर नहीं है। अब पहले तो आप इंटरप्रिटेटर का मतलब समझ लीजिए, ये एक प्रकार का कन्वर्टर प्रोग्राम होता है। जैसे कि अगर हम लोगों के पास एक ह्यूमन है और ये एक मशीन है, मशीन और ह्यूमंस के बीच में कभी भी तालमेल डायरेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप लोग कुछ टाइप करें या बोलें और मशीन उसे समझ ले, जैसे इस पर्सन ने कहा 3 + 2, तो मशीन थोड़ी समझ पाएगी कि 3 और 2 क्या होता है, लेकिन मशीन को 5 आंसर पता है। वो ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को एक तरह से कन्वर्ट कर रही है और उसके लिए यहाँ पर एक प्रकार का, यूं कहिए कि माध्यम बना हुआ है, इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेटर। इंटरप्रिटेटर क्या करता है, वो ह्यूमन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है डिजिटल लैंग्वेजेस में ताकि मशीन उसे समझ सके। तो इसमें से कौन कौन से फेमस इंटरप्रिटेटर हैं वो है आपके सामने। HTML जो है बोल रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है, HTML जो है वो इंटरप्रिटेटर का काम नहीं करता। HTML जो है वो आपकी एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जो एक लैंग्वेजेस का काम करती है। तो इसका सही जवाब HTML लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो व्यक्तियों की ईमेल एड्रेस एक जैसी हो सकती है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा एक और सवाल, क्या दो व्यक्तियों की अलग अलग ईमेल एड्रेस है लेकिन क्या पासवर्ड एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों के पास अगर दो ईमेल आईडी है, एक जीमेल की एक रेडिफ की है, और दोनों में एक ही पासवर्ड डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और पासवर्ड कभी भी बनाइए तो पासवर्ड को कभी भी बनाते समय सिंपल नंबर्स मत यूज़ करिए। पासवर्ड में हमेशा कैपिटल स्मॉल का इस्तेमाल करिए, जैसे आप लोग कैपिटल यूज़ कर रहे हैं स्मॉल यूज़ कर रहे हैं, पासवर्ड में स्पेशल करेक्टर यूज़ करिए, नंबर्स यूज़ करिए, इस तरीके का कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करिए। तो पासवर्ड में ये सब चीज़ें लेना ज़रूरी है। तो आपको ध्यान दें कि पासवर्ड कभी भी सिंपल सा मत टाइप कर दीजिए कि फ़ोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दी। फिलहाल दो लोगों की एक ईमेल आईडी नहीं हो सकती है, सही जवाब। तो इसमें लिखा गया दो व्यक्तियों की ईमेल जैसे हो सकती है, गलत है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है, फोल्डर नेम में किस करेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप लोग खुद ही बताइए कि अगर आप लोग एक फोल्डर बना रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं डॉट रवि डॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ, ये रहा मेरे डेस्कटॉप, मैंने राइट क्लिक किया और एक न्यू फोल्डर ले लिया, न्यू फोल्डर, ये फोल्डर आ रहा है और इस फोल्डर का एक नाम दे रहा है, जैसे मैंने दे दिया रवि डॉट शुक्ला, क्या ये फोल्डर बन जाएगा। जब मैं एंटर करूँगा देखिए डॉट में बड़े आराम से फोल्डर बन गया, लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिखता हूँ रवि @ शुक्ला, एंटर करेंगे @ भी ले लेता है। तो आप देख रहे हैं कुछ स्पेशल करेक्टर्स बड़े आराम से ये यूज़ कर रहा है, क्लियर। लेकिन कहीं कहीं पर आपको एक दिक्कत भी आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल
अब अगर मैं अभी तो एट द रेट और ये सारे सिंबल्स यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं रवि तो आप लोग किसी की भी फोल्डर्स और कोई भी नाम डालिए और उसके आगे इनमें से कोई करेक्टर डाल दीजिए, जैसे बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, रेशियो, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन और पाइप, ये अलाउड नहीं होते हैं। तो आपके फोल्डर्स बनाते समय इन चीज़ों का अलाउ नहीं करता वो, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी आप लोग बाकी सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो ये क्योंकि मैं ये मैंने सारे इसलिए बता दिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि क्या फोल्डर या चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ये फोल्डर पॉसिबल है ऐसा बन जाए, तो इनमें से कोई भी अगर सिंबल पड़ा है तो वो फोल्डर नहीं बन सकता। तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें क्वेश्चन में भी इन्होंने ऐसे ही दिया होगा, क्वेश्चन में इस तरह के चार सिंबल्स दिए होंगे तो इसमें लिखा होगा एक में बन रहा होगा, बाकी तीन यही होंगे कोई, तो इसीलिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था। पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, ये सभी को पता है, आप लोग सर्च इंजन में गूगल यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ फेमस सर्च इंजन के नाम भी लिख देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सर्च इंजन जो आपको गूगल है वही आ जाए। तो अगर आप लोग चेक करें तो विकिपीडिया यूज़ किया करिए, इस तरह की एनसाइक्लोपीडिया बहुत अच्छी है और इसमें अगर आप चेक करें तो आपको सारे सर्च इंजन्स और सभी के बारे में पता चल जाएगा। देखिए ये है विकिपीडिया के द्वारा लिस्टेड सर्च इंजन 1993 से, और जो ग्रीन है वो सारे अभी भी काम कर रहे हैं। वेब क्रॉलर देखिए अभी भी फेमस है, लाइकोस भी है, याहू भी सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी है, ये भी कई बार पूछा गया था कि ये क्या है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो सर्च इंजन्स हैं। तो ये सारे सर्च इंजन की लिस्ट है, काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, और कुछ बहुत फेमस हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे बिंग है, इन्फोसीक है, ये तो बंद हो गया है फिलहाल, तो बिंग वगैरह अब देखें 2019 में चलता था और अभी तक ये चल रहा है, और आजकल के विंडोज 10 के साथ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ करता है वो आज के डेट में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बिंग यूज़ करने लगा है। तो ये सारे सर्च इंजन्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट है मैक्सिमम साइज ऑफ द पेज।